हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं हेजिंग, देखेंगे हेजिंग कैसे होता है, और हम लोग ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखेंगे। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देखेंगे, और ये जो हमारा पर्पस होगा वो ऑप्शन बाइंग को लेकर होगा, ऑप्शन सेलिंग को नहीं। हम लोग प्रॉपर ऑप्शन बाइंग में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी सी बात एक समझ लो कि हेजिंग होता क्या है। तो हेजिंग को आप हेलमेट से कनेक्ट करके रखो। कहने का अर्थ है कि हेजिंग आपको सुरक्षित रखता है या नुकसान कम रखता है। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसने हेलमेट पहन रखा है, तो उसको नुकसान जो है वो कम होता है। तो सबसे पहली बात है, अगर नेकेड लेते हो तो अगर ऑपोजिट में बैठ गए तो नुकसान आपको बहुत ज्यादा हो जाता है, और विदाउट एसएल बैठ गए या एसएल लगाना भूल गए तो उससे लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले हेजिंग का ये मतलब है कि आपको लॉस लॉस से वो बचाता है, सबसे पहले लॉस से बचाता है। ठीक है, और प्रॉफिट अगर मिलता है तो प्रॉफिट आपको प्रॉफिट क्या होता है, लॉस से बचाता है, और प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम मिलता है। कम कैसे मिलता है वो समझ लेते हैं। मान लो आपने अगर 100 रुपए की कोई नेकेड सी या पी कुछ भी लिया, ठीक है, और मार्केट क्या होता है आपके साथ चलता है या आपके फेवर में होता है, तो मान लो 30 पॉइंट भी अगर आपने बुक किया तो आपको 30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। इजी है, सिंपल है। इसी में अगर आपने हेज किया है, मान लो 100 रुपीज का दो सी और पी बाय करके रखा है, तो मान लो ये आपके फेवर में जाता है यानी ऊपर जाता है, सी अगर बाय किया या सी या पी कहीं भी जाता है, तो आपको एक में मान लो 20 रुपीज का एसएल लगाया है, दूसरे में मान लो 40 रुपीज का भी आपने टारगेट लगाया है, तो कुल मिला के 20 लॉस, यहां 40 अगर भी मिला तो 20 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसलिए कुल मिला के आप रहोगे तो प्रॉफिट में ही, बट क्या होगा इसमें, प्रॉफिट में होने के बाद भी आप सुरक्षित रहोगे। कहने वाली बात है, सुरक्षित रहोगे आप, है ना, इसमें सिक्योर सेफ रहोगे। बट अगर गलती से आपने नेकेड ले लिया और वन डायरेक्शन में ही अगर मार्केट जाता है और आपके ऑपोजिट अगर हो जाता है तो आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो हेज हम लोग लॉस को कम करने के लिए करते हैं, और प्रॉफिट अगर ट्रेंडिंग हो जाए तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, साइडवेज टाइप में हो जाए तो प्रॉफिट ठीक ठाक या प्रॉपर साइडवेज हो जाए तो थोड़ा सा लॉस लेकर आप निकल जाओगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं क्या है, वो तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है। तो कब करना है स्ट्रेटजी, व्हेन देखेंगे हम लोग, कब करना है स्ट्रेटजी को। तो आप हर दिन कर सकते हो एक्सेप्ट फ्राइडे, मंडे को भी, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है, और थर्सडे को। फ्राइडे को आपको नहीं करना है, फ्राइडे को इग्नोर करना है। फ्राइडे को ज्यादातर क्या होता है, फ्राइडे को ज्यादातर फ्राइडे होता है ना, इसमें सेलर्स को प्रॉफिट होता है ज्यादातर में, है ना, अगर ट्रेंडिंग हो गया तो बायर्स को भी होता है, बट फ्राइडे को नहीं करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि हर रोज हम लोग डेली बेसिस पे देखेंगे, स्ट्रेटेजी हमारी प्रॉपर उस तरह होगी, कब करना है कैसे करना है वो सारी चीजों को हम लोग देख लेंगे। तो अगर हम लोग मंडे की बात करें और ट्यूसडे की बात करें, दो दिन की अगर बात करें, तो टाइम फ्रेम की अगर यहां पे बात करेंगे हम लोग, तो टाइम होगा हमारा 9:20 में हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, यहां पे थर्सडे को भी ऐड कर लेते हैं, थर्सडे को भी ऐड कर लेते हैं, तो टाइमिंग हमारी 9:20 होगी, बस टाइमिंग सेम है यहाँ पे। ठीक है, टाइमिंग की हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली। प्रीमियम की अगर हम लोग बात करें,
प्रीमियम की अगर हम लोग बात करें, प्रीमियम तो क्या होगा उसमें, हम लोग 50 to 60 रुपीज का प्रीमियम चूज करेंगे। ये मंडे और ट्यूसडे को है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे को। थर्सडे का हम लोग अभी अलग से देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ मंडे और ट्यूसडे का है। मंडे ट्यूसडे आप लोग ये याद रखना है, ठीक है। टाइमिंग के लिए चलो एक काम करते हैं, हम लोग थर्सडे पूरा अलग से ही देख लेते हैं ताकि डाउट ना हो। इसमें क्या होगा, ये हम लोगों ने निफ्टी को देख लिया, ठीक है, निफ्टी को यहाँ पे देख लिया हम लोगों ने निफ्टी। यहां अगर बैंक निफ्टी की बात करें, हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो प्रीमियम क्या होगा, टाइमिंग हमारा सेम वही होगा। प्रीमियम की अगर हम लोग बात करें तो यहां हम लोग प्रीमियम चूज करेंगे 72 नहीं, यहां हम लोग प्रीमियम 100 to 120 चूज करेंगे, ठीक है। एसएल इसका क्या होगा, निफ्टी का एसएल होगा हमारा, यहाँ पे एसएल होगा 50% से थोड़ा नीचे, ठीक है। यानी मान लो 50 रुपीज में अगर हम लोगों ने जो लिया तो उसका एसएल 20 रुपीज होगा, ठीक है, और 60 रुपीज में जो लिया उसका एसएल हमारा लगभग 25 रुपीज होगा, ठीक है। इसमें भी सेम वही रूल करना है ना, आप लोग इसको कर लोगे हाफ से थोड़ा नीचे, मान लो इसका 45 हो गया और इसका 50 SL हो गया, ठीक है। यहां में भी ना देखे इसलिए इसको हम लोग थोड़ा अलग से कर लेते हैं, नीचे देख लेते हैं, नीचे कर लेंगे इसको, बैंक निफ्टी का नीचे कर लेंगे, ठीक है। इसका टारगेट हम लोग देख लेते हैं, टारगेट डबल होगा, 2x होगा, ठीक है। मान लो 2x होगा वो कैसे समझेंगे, मान लो अगर 50 वाले में एसएल हिट हो गया, 50 में अगर एसएल हो गया तो 60 वाले में हम लोगों को 120 तक मिनिमम इसको लेकर जाना है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो इस बेस पे कम प्रॉफिट बट प्रॉफिट होगा आपको, है ना। इधर मान लो 30 रुपए का यहां एसएल गया और यहां पे आपको प्रॉफिट क्या मिला, 30 का एसएल गया और प्रॉफिट आपका हो गया कितना, ये 120 बन गया, तो 30 लॉस 30 प्रॉफिट, है ना। तो कुल मिला के आप 30 पॉइंट के प्रॉफिट में ही रहते हो। बैंक निफ्टी का जरा देख लेते हैं प्रीमियम, बैंक निफ्टी का भी मान लो 100 से 120 का आपका प्रीमियम होगा, एसएल उसका सेम उसी तरह एसएल ये 45 रख लो और ये आपको 50 के आसपास 50-55 पे एसएल रखना है। उसी तरह मान लो 100 वाले में अगर एसएल जाता है तो अगले को 240 तक होल्ड करेंगे, 120 वाले को 240 तक होल्ड करेंगे, क्लियर है यहां तक। ये हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोगों ने मंडे और ट्यूसडे के लिए देख लिया। वेंसडे का हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे वेंसडे का देख लेते हैं इसमें किस तरह से करना है आपको। वेडनेसडे को टाइम क्या होगा हमारा, टाइम होगा हमारा 1:30, 1:30 के बाद होगा, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है प्रीमियम डिके होता है ना, प्रीमियम डिके होता है, इस वजह से हम लोगों को क्या करना है, वेडनेसडे को 1:30 के बाद ही ट्रेड लेना है। प्रीमियम सेम होगा, प्रीमियम सेम होगा, प्रीमियम सेम होगा, टारगेट भी सेम होंगे, प्रीमियम एज पर मंडे एंड ट्यूसडे ऐसा ही हम लोग करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी सेम होगा, यही करेंगे हम लोग, सेम डे सेम प्रोसेस, वेडनेसडे की तरह जो हम लोगों ने निफ्टी में देखा वही हम लोग बैंक निफ्टी में करेंगे थर्सडे को। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये बात आप लोग ध्यान रखना, जो हम लोग 9:20 में जो ट्रेड लेंगे तो मार्केट को फ्लैट ओपन होना चाहिए, मार्केट फ्लैट होना चाहिए, ठीक है, फ्लैट होना चाहिए, फ्लैट तभी हेज करेंगे हम लोग, फ्लैट में हेज करेंगे, ठीक है। और कब नहीं करेंगे वो हम लोग अलग से देख लेंगे, है ना, वो हम लोग अलग से देख लेंगे, बट यहां हम लोग ये देख लेते हैं
और थर्सडे को देख लेते हैं, थर्सडे का स्पेशल है, थर्सडे का स्पेशल है जी, इसलिए ये हम लोग इसमें देख लेते हैं। इसमें भी सेम रूल है, इफ फ्लैट होता है मार्केट, है ना, इफ फ्लैट देन वी विल हेज। कैसे करना है वो देख लेते हैं। है इसमें अगर फ्लैट होता है थर्सडे को तो आप आंख बंद करके हेज कर सकते हो, इसमें रूल बदल जाएगा आपका, ठीक है, इसमें नियम क्या है चेंज हो जाएंगे। प्रीमियम क्या होगा इसमें, 30 से 40 रुपीज का प्रीमियम होगा, 30 से 40 रुपीज का, और एसएल आप 30 वाले में 10 रुपीज रखो, और 40 वाले में आपको कहाँ रखना है, 15 रुपीज पे एसएल रखना है। ये एसएल हो गया हमारा, ठीक है। इसी तरह ये हो गया हमारा निफ्टी का, हम लोगों ने देख लिया, ये निफ्टी को देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहां पे बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में प्रीमियम क्या होगा हमारा, 72-90 रुपीज होगा, एसएल सेम वही रहेगा, एसएल इसका 30 पे रखेंगे और 90 वाले को 40 पे एसएल रखेंगे। टारगेट हमारा 2x होगा, मिनिमम 2x होगा, टारगेट दोनों में सेम होगा, टारगेट 2x होगा यानी डबल होगा, जो भी जिसमें भी एसएल हिट हो उसके ऑपोजिट वाले को डबल करना है, ठीक है। आप लोग क्लियर समझ चुके हो इस बात को, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग को क्या देखना है और किस कंडीशन में हेज करेंगे हम लोग। मान लो मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है, अप या डाउन होता है कितना, तो मान लो निफ्टी 400 400 पॉइंट गैप डाउन या गैप अप हो जाता है, तो इस बेस पे भी आपको हेज करना है। और टाइमिंग इस टाइम सेम रहेगा हमारा, सिर्फ वेंसडे को हम लोगों ने 1:30 में हेज करना है, बाकी में जो है 9:20 में ही होगा। अब किस कंडीशन में हेज नहीं करना है, नॉट टू हेज, ये हम लोग कंडीशन यहां पे देख लेते हैं, कब हेज नहीं करना है। तो हेज कब नहीं करना है, मान लो मार्केट 200 से 300 पॉइंट, मान लो मार्केट 200 से 300 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो इस बेस पे नहीं करना है, ठीक है। वेडनेसडे को क्या होगा, मान लो मार्केट मार्केट 200 से 300 पॉइंट चल चुका है तो हेज नहीं करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, इस कंडीशन में हम लोगों को हेज नहीं करना है, ठीक है। बेस्ट कंडीशन क्या होगा हेज करने का, बेस्ट सिनेरियो होगा हमारा जब मार्केट फ्लैट ओपन हो, क्लियर है। तो टारगेट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एसएल डिस्कस कर लिया, बैंक निफ्टी निफ्टी को डिस्कस कर लिया, वेडनेसडे और थर्सडे को स्पेशल हम लोगों ने देख लिया, सारी चीजें हम लोगों ने देख ली, टाइमिंग वगैरह देख लिया है, तो इस बेस पे ही हम लोगों को ट्रेड करना है। और पोजीशन की अगर बात करें हम लोग, पोजीशन की अगर बात करें तो आपको 50,000 अगर है तो 1 लॉट से ही करना है, ठीक है, 1 लॉट से ही करना है, ये नहीं कि 50,000 का ही पूरा आपने बाय कर लिया। और एक प्रो टिप्स की अगर हम लोग बात करें, प्रो टिप्स की अगर बात करें तो मान लो वेडनेसडे को जब आप 130 में लोगे, ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे या हेज करोगे, हेज करोगे, तो मान लो आपने सी और पी दोनों लिया, ऑब्वियस सी बात है सी पी ही लेना है। मान लो सी लिया आपने 50 का और पी 60 का, देखो सी पी जो रेट है वो 1-2 रुपए ऊपर ही हो सकता है, ये नहीं कि एग्जैक्ट यही मिले, बट इसी कंडीशन में आपको लेना है। मान लो वेंसडे को आपको सी में एसएल हिट हो जाता है, एसएल हिट हो जाता है इसमें, ठीक है, एसएल हिट हो जाता है, तो आपको क्या करना है, सी में अगर एसएल हिट हो गया तो
नेक्स्ट डे का ट्रेंड, नेक्स्ट डे मीन्स एक्सपायरी के बारे में, थर्सडे के बारे में आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि मार्केट किधर जा सकता है। अगर इसमें सी में एसएल हिट होता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि मार्केट कल पुट में प्रॉफिट देगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके हो, देख चुके हो। वीडियो अच्छे से देख लेना आप लोग, सारी चीजें मैंने लिख कर बता दिया है, तो इस बेस पे ही देख लेना, समझ लेना। जो भी डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हो, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, किसी भी स्ट्रेटेजी को मैं बैक टेस्ट करता हूँ, तो इसको भी हम लोग बैक टेस्ट करेंगे, डोंट वरी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।